मेरे YouTube चैनल पर आप सभी पवित्र योगी आत्माओं का स्वागत है। सुप्रभात, नमस्कार। आज हम सूर्य नमस्कार देखने जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगी व्यायाम है, उसको एरोबिक और एक्सरसाइज के रूप में, व्यायाम के रूप में किया जाता है। जब हम फास्ट करते हैं तो वो एरोबिक एक्सरसाइज हो जाती है। जब मंत्रोच्चार के साथ करते हैं, जो सूर्य के 12 नाम है उसके साथ करते हैं, सगर्भ व्यायाम कहते हैं। सूर्य नमस्कार सर्वांगी व्यायाम इसलिए है कि उसमें प्राणायाम भी होता है और व्यायाम भी होता है। पूरे शरीर को हमारे ब्लड सर्कुलेशन और प्राणवायु जो है, सूर्य नमस्कार करने से बहुत ही अच्छी तरह से उसका सप्लाई होता है। पूरा सर से लेकर नाखून तक ब्लड सर्कुलेशन और एयर सर्कुलेशन, प्राणवायु का वहन अच्छे से होता है, इसीलिए इसे सर्वांगी व्यायाम कहा गया है। पूरी हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होती है इससे। तो ये है प्राणायाम और व्यायाम, दोनों का समन्वय यानी सूर्य नमस्कार। प्राणायाम कैसे है कि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें ब्रीदिंग के साथ भी किया जाता है। आपको पता होगा ब्रीदिंग में पूरक, फिर कुंभक और फिर रेचक आता है। वैसे ही सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप है, हर एक स्टेप डबल बार आता है। जब हम सांसों को छोड़ नीचे की ओर जाते हैं तो सांसों को छोड़ना है, और जब ऊपर की ओर जाते हैं तो सांसों को भरना है। एक स्टेप आता है जहाँ हमें कुंभक करना होता है, 6 नंबर के स्टेप पर, तो वहाँ कुंभक करना होता है। इसीलिए इसे प्राणायाम भी इसके साथ है, व्यायाम भी है, इसीलिए सर्वांगी व्यायाम कहा गया है। तो हम इसको करेंगे, डिटेल्स में बहुत सारा है लेकिन हमें प्रैक्टिकली जाना है। तो आपके लिए इतना ही है कि सर्वांगी व्यायाम है। दूसरी बात, आप मंत्रोच्चार के साथ करते हैं, सगर्भ व्यायाम कहते हैं, और एरोबिक्स और व्यायाम आसन के रूप में भी किया जाता है। तो उसके लिए पहले बेसिक जो आसन है, 2-4 आसन तो दिखा दिए हैं रेगुलर मेरे जो ये पहले दिन से चल रहा है उसमें। तो भी आज मैं जो बिगनर्स है, जिसने आज ही पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो इसको देख के उसे प्रैक्टिस करेंगे और बाद में ही करना है। ये अच्छी तरह से जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, परफेक्शन से जब करते हैं, तो उसका बेनिफिट बहुत ही होता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा मस्तिष्क की ओर भी होता है। तो हर एक आसन को ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग और परफेक्शन के साथ आपको करना है। आप सूर्य नमस्कार यदि रेगुलर में आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, 5 करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, 10, 15, 20, ऐसे आप रेगुलरली धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो हार्ट पेशेंट है और जो बीपी पेशेंट है उसे संभाल के करना है। यदि आदत नहीं है तो 2 से शुरू करना है हाई बीपी वाले को, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। तो हम पहले देखेंगे उसके आसन कौन से आते हैं। दोनों पैर साथ में रखने हैं, पूरा बॉडी आपका है, शरीर एकदम स्ट्रेट। पहला है नमस्कार आसन। नमस्कार आसन में आपको पूरी हथेली बंद करनी है। आपके ये जो 2 अंगूठे हैं वो स्टर्नम यानी छाती का जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ रहना चाहिए। आपका हाथ है पूरा ये 180 रखना है, इसमें आपको ऐसे झुका के नहीं रखना है, ये पूरा ऐसे रखना है। और जब आप नमस्कार आसन करते हैं तो सिर्फ गर्दन को झुकाना है, सिर्फ इतना ही झुकाना है। लोग क्या करते हैं, पूरा ऐसा झुक जाते हैं, तो वो गलत है। तो ये एक नंबर। सेकंड है पादहस्तासन। दोनों हाथ शरीर के बाजू में, सांसों को भरते हुए ऊपर जाना है। कल मैंने जैसे बोला था कि बाइसेप्स कानों से चिपक जाने के बाद फिर बैकवर्ड बैंड करना है, जितना आप जा सकते हो। फिर थर्ड है पादहस्तासन, वो भी मैंने दिखाया था। लोअर बैक से नीचे धीरे धीरे जाना है। 3 नंबर पर दोनों हथेलियाँ नीचे रख देनी है और नाक को जितना अंदर की ओर ले जा सकते हो उतना ले जाना है। अभी 4 नंबर पे है, ये मैंने किया 3 नंबर पे पादहस्तासन किया। अभी है पैर को पीछे ले जाना है, एक पैर पीछे ले जाऊंगी, एक पैर पीछे ले जाऊंगी, दोनों हथेलियाँ जमीन पर रहेगी। आपका जो एंगल है, एंकल है वो नी के नीचे ही आना चाहिए, पीछे वाला घुटना जो है जमीन पर, और फिर बैकवर्ड बेंड करना है ऊपर की ओर धीरे से। फिर क्या करना है, आपको जाना है पर्वतासन में।
इसे चतुष्कोणासन भी कहते हैं, अधोमुख स्वानासन भी कहते हैं। मैंने पहले ही बोला है अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग नाम से एक ही आसन पहचाना जाता है। अधोमुख स्वानासन करते हैं तो उसमें उसका बेनिफिट हमें मिलता है, हम शीर्षासन करते हैं उसका, क्योंकि पूरा ब्लड फ्लो जो आपका है वो सर की ओर मस्तिष्क की ओर होता है। क्या करना है, धीरे से हमें पीछे की ओर पैर लेना है, जो पैर है उसके बाजू में रख देना है, एड़ी आपकी अंदर रहेगी तो हिप को पीछे की ओर पुश करना है ऐसे, और एड़िया जमीन पर टच करनी है। आपका जो मस्तिष्क है वो दो हाथों के बीच रहेगा। आपकी पूरी स्पाइन देखिए स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे स्लाइड होती है वैसे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे जरा भी हिप को पीछे की ओर धक्का मारिए और फिर धीरे से स्पाइन नीचे। अभी मैंने जो बोला था कि एक स्टेप ऐसा है कि जिसमें कुंभक आता है, तो कुंभक आता है तो पहले दोनों घुटना जमीन पर रखना है। अभी क्या करना है कि आपको आपका जो सीना है, छाती का हिस्सा आगे की ओर स्लाइड करना है ऐसे, और फिर चिन या फोरहेड, इसमें भी अलग जगह पर कहाँ पे चिन रखाते हैं कहाँ पे फोरहेड रखाते हैं, आप जहाँ जैसे करते हैं जो इंस्टीट्यूट में जाते हैं उसके हिसाब से करना है। चिन रखो या ये रखो, इसमें कुंभक आएगा। आप गलती क्या करेंगे वापिस दिखाती हूँ, इसमें आपका जो हिप का हिस्सा है वो ऊपर रहना चाहिए। यानी कैसे ऊपर रहेगा, ऑटोमेटिक जब आप बॉडी को नीचे ले जाते हैं तभी उसको ऑटोमेटिक ही आना चाहिए कि पहले घुटना मैंने रखा है फिर सीना आगे की ओर ले जाऊंगी। देखो हिप मेरी अंदर ही है और फिर चीन या पूरे। कई लोग क्या करेंगे कि नहीं आता है, एकदम शरीर को नीचे डाल देते हैं यानी ऐसा, और फिर ऐसे करते हैं। वापिस दिखाती हूँ क्या गलती नहीं करनी है, कि हमने ये ऐसा रखा है, धीरे से आगे जाना है, आपको ऐसे सोने के बाद हिप को नहीं उठाना है धीरे से। ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको धीरे से आपकी सीना जो है छाती को आगे की ओर स्लाइड करते हुए फिर चीन या फोरहेड रखिए। अभी नेक्स्ट आएगा भुजंगासन। भुजंगासन में क्या करना, पहले दोनों पंजे सुला देने हैं और फिर नाभि तक। अभी इसमें भी दो तरीके से किया जाता है, कोबरा पोज में करना है, सिर्फ कोबरा पोज, तो यहाँ तक नाभि तक उठना है ऐसे ही, ये कोबरा पोज। और हाई कोबरा पोज में कई जगह ऐसे कराते हैं, कई जगह पूरा उठाते हैं ऐसे, ये है हाई कोबरा पोज। दो अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो ये है भुजंगासन, जैसे बोलते हैं कोबरा पोज, ऐसे भी कर सकते हैं, नाभि तक उठना है, इसमें कॉर्निया शरीर से टच रहेगी। हाई कोबरा पोज में जाते हैं तो बॉडी को ऊपर उठाना है ज्यादा, और उससे ऊपर जाते हैं तो अधोमुख उद्धव स्वानासन आता है, यानी ऐसे ऐसे जब करते हैं तो उद्धव स्वानासन। ये तीन आसन थोड़ा सा डिफरेंस नाभि को और हाथ की वेरिएशन में है, तो ये तीन अलग अलग आसन हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा भुजंगासन। फिर वापिस जाना है, ये भुजंगासन किया ऐसे भी कर सकते हैं, वापिस हमें जाना है चतुष्कोणासन पर्वतासन में। तो पहले मैं घुटना जमीन पर रखूंगी, वापिस दोनों पंजे जमीन पर, आपकी जो एड़िया है वो पूरी जमीन पर, नितंब जो है हिप है उसको पीछे की ओर स्लाइड करते हुए पुश करते हुए धीरे से आपकी नेक, आपकी जो नजर है वो नाभि की ओर, मुंह जो है चेहरा है दो हाथों के बीच, स्पाइन स्ट्रेट। अभी इसमें क्या है, आगे वाला जो स्टेप आया तो कई जगह उस पर ये प्लैंक पोजिशन ऐसे भी कराते हैं। प्लैंक पोजिशन, एक बार प्लैंक पोजिशन होती है और जब दूसरी बार आता है तो ऐसे आता है, तो जैसे आपको करना है कर सकते हैं, सबके बेनिफिट रहते हैं। दोनों तरीके से मैं दिखा रही हूँ साथ में। तो ये हुआ अधोमुख स्वानासन। अभी जो पैर आपने पीछे लिया था वही पैर आगे लेना है, कहाँ लेना है, दो हाथों के बीच सीधा उठा के लाना है, ये आपके दो हथेली और पंजा तीनों एक लाइन में आना चाहिए, पूरी हथेली जमीन पर टच। अभी क्या होगा कि आपसे आपका पैर पीछे से आगे नहीं आएगा, वापिस ले जाती हूँ, ये ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है सभी का एक ही झटके से पैर आ जाता है,
अभी मेरा नहीं आता है, मेरा पैर यहाँ तक आया, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको ऐसे स्लाइड करते हुए लाना है और फिर ले जाना है ऐसे। इसे अश्व संचालनासन भी कहते हैं, अश्व संचालनासन। एक पाद प्रसरणासन पहले किया, ये एक पाद आकर्षणासन, आगे लाते हैं आकर्षणासन, पीछे ले जाते हैं तो प्रसरणासन, और दूसरा नाम है अश्व संचलनासन। अभी दूसरा पैर जो है उठा के सीधा लाना है, यहाँ जो पैर है वहां ही, दोनों हथेलिया जमीन के पर, अभी दो पैर और दोनों हाथ आपके एक लाइन में आने चाहिए, नाक अंदर की ओर, स्पाइन स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ऊपर आना है, दो स्टेप आगे लेना है, हाथ और सर साथ में, पैरों को स्ट्रेट रखते हुए हाथ स्ट्रेट, बैकवर्ड बेंड, और फिर धीरे से दोनों हाथ नीचे से ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा, सिर्फ इतना ही करना है नमस्कार आसन में। तो ये है सूर्य नमस्कार, मैंने सिर्फ स्टेप दिखाए हैं, तो ये आपको करना है। अभी हम मैं दिखाने जा रही हूँ मंत्रोच्चार के साथ, अभी आप हर एक स्टेप देखेंगे कि मेरे चेंज कैसे हो रही है। दूसरी बात यह है कि जब आपने एक में नमस्कार आसन किया, दो में उपस्थान आसन किया, तीन में जब हाथ आपका नीचे जाता है, अभी जो हाथ एक बार फिक्स हो गया वो लास्ट स्टेप तक हाथ हिलेगा नहीं, सिर्फ पैरों की मूवमेंट रहेगी, हाथ वहां का वहां स्टेबल रहेगा। आप देखिएगा, अभी हम करेंगे सगर्भ व्यायाम, सूर्य नमस्कार मंत्रोच्चार के साथ। देखो चार से पांच है, आप मेरी पूरी मूवमेंट देखिए कैसे कर रही हूँ, कैसे बॉडी को आगे पीछे कर रही हूँ, हाथों को कैसे स्टेबल रखते हूँ, सिर्फ पैरों की मूवमेंट रहेगी। एक बार जो पैर पीछे जाएगा वो ही आगे लाना है, अल्टरनेट पैरों को करना है। Thank you.
जाते हैं शरीर से दूर लेके जाते हैं तो सांस बंधनी है और शरीर से पास में लाते हैं तो सांस छोड़नी है। छः नंबर पर है वो बाह्य कुंभक आएगा तो उसे ध्यान रखना है, ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो ये सर्वांगी व्यायाम बहुत ही हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, बेनिफिशियल है। मस्तिष्क से लेकर पूरे नाखून तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करती है। तो इसे आप रोज़ कीजिएगा। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कल हम इन्वर्जन आसन विपरीत करनी आसन देखेंगे। मेरा चैनल को लाइक करने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम।